हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज हम करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स, राइट? एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. मूविंग फॉरवर्ड, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अनअकैडमी. दैट इज द अनअकैडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट, विच हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड वेरी लेस कॉस्ट्स. एंड अगर आपको चाहिए 10% ऑफ, यू कैन गेट फ्लैट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10. ये छोटा सा कोड लगाना है, आपको उसी टाइम पे डिस्काउंट मिल जाएगा वाइल यू आर परचेजिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट? सो दिस इज अ वेरी नाइस एंड इनएक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन, राइट, टू एस योर अनअकैडमी स्कूल एग्जाम्स. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वेलकम टू द क्लास एवरीवन. माय नेम इज गुरलीन सिंह. I am your maths educator. I have 2+ years of teaching experience through online and offline modes. Also, I am UGC NET qualified. Moving forward, let's start with today's topic. Right? So, what are integers? So, we have studied about different kinds of numbers, like we have whole numbers, natural numbers, we have fractions, and we have also studied about integers. So, chota sa quick recap le lete hain that what are integers. Okay, these are a set of numbers which include 0, positive natural numbers and negative natural numbers. ठीक है, positive natural numbers होते हैं and negative natural numbers होते हैं. तो positive natural numbers कौन से होंगे? जो 1 से लेके infinity तक होता है, मतलब counting कभी end नहीं होती है ना, 1 से start होती है and you can count up till a million, billion, trillion, quadrillion, जितनी मर्जी counting कर सकते हो, it won't end, right? And वॉट आर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स? सो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है ये जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स है, इनका जो ऑपोजिट होगा विद अ नेगेटिव साइन, जैसे -1, -2, -100, -10,000, ठीक है, -1 billion, anything, ठीक है. तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? -1 से लेकर -infinity तक. एंड वन मोर थिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड 0. ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए, सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, एंड वन मोर नंबर, दैट इज 0. ठीक है, तो इसको यूजली हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर जेड. तो आप देख सकते हो जेड कंटेन्स अ सेट ऑफ 0, पॉजिटिव नंबर्स अप टिल इन्फिनिटी एंड नेगेटिव नंबर्स अप टिल इन्फिनिटी, राइट? क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रूल्स ऑफ ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस इन आवर क्लास 6, राइट, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, इफ यू रिमेंबर, हमने 6th में क्या था, दैट व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑपरेशंस, कि अगर 2 पॉजिटिव साइंस है तो हम क्या करते हैं. ओके, अगर मेरे पास 2 पॉजिटिव साइंस है या 2 पॉजिटिव नंबर्स है, तो ऑपरेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव का लगेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई हैव 2+5, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो मैं आंसर एज इन कि अब मैं क्या करूंगी, इनको ऐड करूंगी या सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो दोनों ही अगर एडिशन साइंस है तो ऑब्वियसली आई विल ऐड देम. सो 5+2 इज इक्वल टू 7, राइट? ऑन दी अदर हैंड, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 11, ठीक है, और दूसरा नंबर है मेरे पास फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, तो अब ऑपरेशन कौन सा लगेगा, मैं ऐड करूंगी या सब्ट्रैक्ट करूंगी इनको, तो आई विल सब्ट्रैक्ट, सो आई विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट. ठीक है, सो आंसर क्या आएगा इसके अंदर, 11-5 विच इज इक्वल टू 6, राइट? एंड साइन कौन सा आता है जो बड़े नंबर के साथ होते हैं, वी विल डिस्कस दिस. सो आंसर इज अ पॉजिटिव 6, राइट? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास होता आई एम हैविंग लेट्स से 4, ठीक है, एंड ये है +4 एंड हेयर आई हैव -10, ठीक है, अगेन एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, हम इनको माइनस ही करेंगे. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज मतलब नेगेटिव. सो 10-4 कितना होता है, 6, एंड साइन कौन सा लग जाएगा, इट विल कम विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन था. नाउ व्हेन आई हैव 2 नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल -3 एंड -2, ऑलवेज रिमेंबर 2 नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव. ठीक है, तो क्या ऑपरेशन क्या लगेगा, एडिशन का ऑपरेशन लगेगा. ठीक है, अब 2 माइनस साइन देखकर ये मत सोचना कि माइनस करना है, नो, ऐड करना है. ठीक है, सो 3+2 इज इक्वल टू 5, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन नेगेटिव आएगा. ठीक है, सो जब भी एक जैसे साइन है, +1 प्लस है, तो ऑपरेशन प्लस का लगेगा, माइनस एंड माइनस है तो भी ऑपरेशन प्लस का लगेगा. ठीक है, अगर डिफरेंट साइन है देन वी विल यूज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. Right, I hope this is clear to you. So let's move forward and study these things in a little detail. Okay, operation on integers. Agar hum addition ki baat kare, theek hai? So +5, +3, 2 positive signs hai, to answer kya aayega? This will be equal to 8. Theek hai? Now,
एक पॉजिटिव जो नंबर है 11, उसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, एक नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। सो एक प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है, तो ऑपरेशन तो मैं क्या करूंगी, प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाता है। सो दिस इज 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, आंसर आएगा 9, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव 9 होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर 11 है, तो जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है ना, वही हमारे आंसर में होता है, ठीक है, डन। ओके, नाउ आई हैव माइनस 14, अगेन प्लस माइनस है, तो क्या कौन सा साइन बन जाएगा, माइनस का साइन बन जाएगा, सो दिस बिकम्स माइनस 14 माइनस 4, ओके, सो माइनस 14 माइनस 4 दो नेगेटिव साइंस बन गए ये, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी दो नेगेटिव साइंस है, हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेशन क्या लगेगा, एडिशन का लगेगा, ठीक है। सो 14 प्लस 4 होगा विच इज इक्वल टू 18, एंड साइन कौन सा, जो बड़े नंबर के साथ है, सो तो इसमें तो दोनों के साथ ही नेगेटिव साइन था, तो वैसे एक ही रूल लेकर चलना है, जो बड़े नंबर के साथ है, सो दिस इज माइनस 18। ओके, लास्ट में देख लेते हैं, माइनस 7, अगेन प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस 7 माइनस 2, तो दो नेगेटिव साइन से ऑपरेशन एडिशन का लगेगा, सो दिस बिकम्स, आंसर बिकम्स माइनस 9। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, जो कि है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। ओके, एक पॉजिटिव नंबर में से एक नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस माइनस है तो ऑपरेशन माइनस का ही होता है, ठीक है, तो 17 माइनस 8 करेंगे, सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 9, ठीक है, राइट। एंड ये पॉजिटिव 9 होगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन था, राइट। देन आई हैव 14 माइनस 8, अगेन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑपरेशन नेगेटिव का ही लगेगा, ठीक है, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 6, राइट। एंड ये क्या होगा, पॉजिटिव 6 होगा, राइट, क्यों, क्योंकि 14 जो है, जो बड़ा नंबर है, वो उसके साथ पॉजिटिव साइन था, राइट, क्लियर टू एवरीवन। ओके, आगे चलते हैं, नाउ आई हैव 29 में से एक नेगेटिव साइन माइनस हो रहा है, तो आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, राइट, टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 29 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 12, ठीक है, सो ये कितना हो गया, 39, 40, 41, सो 41 इज द आंसर, ठीक है, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन था, तो स्पेशली हम बड़ा नंबर देखते हैं, उसके साथ पॉजिटिव साइन है। देन आई हैव माइनस 8, ये दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, ठीक है, सो नाउ व्हाट डू आई गेट, माइनस 8 प्लस 13, तो हमने पढ़ा था अगर एक नेगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है, तो ऑपरेशन किसका लगेगा, मतलब अब मैं ऐड करूंगी कि माइनस करूंगी, मैं माइनस करूंगी, ठीक है, सो 13 माइनस 8 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 5, एंड साइन कौन सा आएगा बेटा, जो बड़े नंबर के साथ है, सो आंसर इज अ पॉजिटिव 5, ठीक है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव 5, क्लियर टू एवरीवन। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में ना थोड़ा सा जो रूल है आपका हल्का सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें हम बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखेंगे, वी विल जस्ट लुक एट द साइंस। ओके, चलो, वी हैव अ पॉजिटिव नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर भी पॉजिटिव आएगा, राइट, सो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 60, ठीक है। फिर है मेरे पास एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन, माइनस 4 इंटू प्लस 8, माइनस 4 इंटू प्लस 8, राइट, इस तरह से है ये, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो आंसर में साइन आएगा ना, वो नेगेटिव का आएगा, इट डजेंट मैटर कि साइन बड़े नंबर के साथ है या छोटे नंबर के साथ, ठीक है, 8 4 जो कितना होता है, इट इज इक्वल टू 32, अब पीछे पीछे हम देख रहे थे कि बड़ा नंबर कौन सा है, वही वाला साइन आएगा, बट यहाँ पे बड़े नंबर के साथ तो पॉजिटिव साइन है, विल माय आंसर बी पॉजिटिव, नो, माय आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो डजेंट मैटर अगर हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की बात करते हैं कि साइन बड़े नंबर के साथ है या छोटे नंबर के साथ है, इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन, ठीक है, एक पॉजिटिव साइन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव साइन, आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव ओनली। ओके, ओके, देन आई हैव 3 इंटू 14, अब इसका आंसर कितना होता है, 42, एंड यहाँ पे भी क्या है, देखो छोटे नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, डजेंट मैटर, एक नेगेटिव साइन है तो आंसर भी माइनस 42 होगा। ओके, नेक्स्ट आई हैव 2 नेगेटिव साइंस, एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नेगेटिव साइन के साथ, सो क्या होता है,
टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, तो 8 5 से कितना हुआ 40 एंड दिस विल बी प्लस 40. ठीक है, अगर दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो मेरा आंसर जो है वो प्लस में आएगा. राइट, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इवन इफ आई हैव वन नेगेटिव साइन देन माय आंसर इज गोइंग टू बी इन नेगेटिव. ओके, सिमिलरली इसी पे बेस्ड होगा मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स ऑफ डिविजन. ठीक है, अब हम डिविजन की बात करेंगे. ओके, पहला है दोनों पॉजिटिव नंबर्स है 15 upon 3, सो आई नो दैट 3 5s are 15, तो आंसर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर. ठीक है, देन आई हैव -14 divided by 7. ठीक है, तो ये कितना हुआ 7 2s are 14. अब देखो, चाहे माइनस साइन न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, बड़े नंबर के साथ है या छोटे नंबर के साथ है, डजंट मैटर. इफ आई हैव वन नेगेटिव साइन, ठीक है, देन माई आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव ओनली, तो आंसर आएगा -2. देन आई हैव 63 divided by -9. ठीक है, सो इसका क्या, वी हैव द लिबर्टी टू टेक दिस माइनस साइन इन द न्यूमरेटर. ठीक है, जब हम एक फ्रैक्शन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो -63/9 बन जाएगा, बोथ द नंबर्स आर सेम. ओके, नाउ आई विल सॉल्व इट. आई नो दैट 9 7s are 63 एंड अगर एक भी नेगेटिव साइन है तो आंसर आएगा -7. राइट, ओके, अब क्या करेंगे, अगर मेरे पास दोनों ही नेगेटिव नंबर्स है -160/-8, तो क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाता है, टू नेगेटिव्स ऑलवेज मेक अ पॉजिटिव. ठीक है, सो 8 2s are 16 and 20, तो आंसर आएगा +20. ओके, क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इसका क्या मतलब है, जैसे ये है 160, ठीक है, -160 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट -1 is getting multiplied by 160 एंड नीचे -1 is getting multiplied by 8, तो ये -1 से -1 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. राइट, सो मेरे पास क्या बचेगा 160/8, सो माई आंसर इज इक्वल टू हाउ मच 20. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव आंसर आ जाता है. राइट, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. ठीक है, अगर जो कन्फ्यूजन अगर थी भी तो आई होप इट्स क्लियर्ड आउट. ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो हम देखेंगे, इट विल बी इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, अभी तक आपने होल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया होगा, आई एम श्योर. ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन बनती है. अब वी हैव 0, देन इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5, इस तरह से. ठीक है, अप टिल जितनी मर्जी काउंटिंग है, अप टिल इन्फिनिटी यू कैन शो इट ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, अब अगर मुझे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करना हो, फर्स्ट रूल क्या रहेगा कि एकदम सेंटर में आएगा 0. ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड पे होंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे सारे नेगेटिव नंबर्स, लाइक दिस. ठीक है, एंड वो इक्वल डिस्टेंट होने चाहिए. अगर मैं एक एक का डिफरेंस दिखा रही हूँ तो ये जो लाइन्स है मैं इक्वल डिस्टेंस पे बनाऊंगी. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4. ठीक है, तो जो भी जीरो के पास नंबर है ना, दैट विल बी ग्रेटर. तो नेगेटिव में क्या होता है, इन दिस केस -1 will be greater than -3. ठीक है, याद रखना, नेगेटिव नंबर्स में क्या होगा, जो भी नंबर जीरो के पास होगा ना वो ग्रेटर होगा. ठीक है, अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो ऑब्वियसली 3 is greater than 1, बट नेगेटिव नंबर्स में -1 is greater than -3. ठीक है, -5 will be greater than -10. ठीक है, तो जो छोटा नंबर होता है विद द नेगेटिव साइन, दैट इज ग्रेटर दैन द लार्जर नंबर विद द नेगेटिव साइन. ठीक है, तो जो भी जीरो के पास है वो क्या होगा, दैट विल बी द ग्रेटर नंबर, क्योंकि इस तरह को नंबर्स जो है इसमें कम हो रहे हैं. ठीक है, एंड इधर को बढ़ रहे हैं. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे हम मूव करते जाएंगे एक नंबर लाइन पे, द नंबर्स आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग. ठीक है, तो इस तरफ को नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, तो मतलब -5 is less than -4, -4 is less than -3, दैट वे. ओके ओके, अब हम देखेंगे कि जो अभी हमने ऑपरेशंस किए इंटीजर्स पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, हम उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, सो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑल द केसेस. ओके, चलो लेट्स बिगिन. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टूवर्ड्स द राइट ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, अब हम ऐड कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक, ओके चलो ठीक है, हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक नंबर है मेरे पास -2. ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 9. ठीक है, ऐड कर रही हूँ +9, तो मैं क्या करूंगी, आई विल मूव टूवर्ड्स द राइट ऑफ द नंबर लाइन.
ठीक है। तो स्टार्ट क्या करेंगे, रूल क्या है, हमें स्टार्ट वहां से करना है जो हमारा फर्स्ट नंबर है। तो माइनस टू से स्टार्ट किया, अब मुझे क्या जाना है, मूव टूवर्ड्स द राइट, एंड कितना राइट जाऊंगी, बाय 9 यूनिट्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, तो मैं कहाँ पे एंड अप हो रही हूँ, 7। सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 7, ठीक है। अगर अब मैं इसको बिना नंबर लाइन के सॉल्व करती, एक नेगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा नेगेटिव का, 9 minus 2 is 7, ठीक है। एंड साइन भी कौन सा आएगा, प्लस साइन आएगा, जो कि बड़े नंबर के साथ होता है। सो द राइट आंसर इज 7, मतलब मैंने इसको ठीक से रिप्रेजेंट किया है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐड कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को, वी विल मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। When we add a negative integer, we move towards the left of the number line, ठीक है। For example, अब मैं 3 में क्या add कर रही हूँ, I am adding -4, ठीक है। Operation addition का लग रहा है, ठीक है, बट मैं add क्या कर रही हूँ, -4 add कर रही हूँ, मतलब negativity add कर रही हूँ, तो मुझे क्या जाना पड़ेगा, left hand side जाना पड़ेगा। And start किस से करेंगे, 3 से start करेंगे, and क्या करूँगी, left hand side I will go 4 places, 1, 2, 3, Sorry, this is 3 and 4. तो मैं कहां पे आई, -1 पे आई, एंड -1 इज माय आंसर, ठीक है। अब इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, सो 3 माइनस 4 ये क्या हो गया, पॉजिटिव 3 माइनस 4, तो अगेन एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा, है ना। 4 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1, एंड साइन कौन सा, जो बड़े नंबर के साथ है, सो आंसर विल बी -1। Therefore, मैंने इसको नंबर लाइन पर बिल्कुल ठीक से रिप्रेजेंट किया है। Whenever I am adding a negative integer, we move towards the left, ठीक है। तो अगर वैसे भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सब्ट्रैक्शन ही बन रही है, एंड जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, ओके ओके। लेट्स सी अनदर केस, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अब हम क्या करें, पॉजिटिविटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर बुरा तो होगा ही, जाना तो हमें लेफ्ट में ही पड़ेगा, ठीक है। वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्या कर रही हूँ मैं, 5 minus +8, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इसको। सो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से स्टार्ट करना है, एंड पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मुझे लेफ्ट में जाना है, कितने पोजिशंस, 8 पोजिशंस। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो मैं कहाँ पे आ रही हूँ, मैं आंसर शुड बी -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, ठीक है, तो जब भी प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है, ठीक है। 5 minus 8, नाउ आई हैव अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8 minus 5 is equal to 3, राइट, एंड साइन कौन सा, जो बड़े नंबर के साथ है, सो मैं आंसर इज -3। तो मतलब मैंने बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंट किया है, जब भी मैं एक पॉजिटिव इंटीजर को माइनस कर रही हूँ, तो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ऑफकोर्स अगर एग्जाम में आता है तो आप पहले ही इसको सॉल्व करके देख लो, तुम्हें पता है दैट यू हैव टू एंड अप एट -3, एंड -3 पे कैसे एंड अप करोगे, अगर 5 से स्टार्ट करके तुम लेफ्ट हैंड साइड जाते हो, ठीक है। सो फर्स्ट सॉल्व इट एंड देन यू कैन इजिली रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, ओके। लास्ट केस इज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टूवर्ड्स द राइट। अब क्या हो रहा है, मैं नेगेटिविटी को ही सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो कहाँ जाऊंगी, आई विल मूव टूवर्ड्स द राइट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई हैव -4, ठीक है, एंड -4 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ -7, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को ही सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो पहले अगर सॉल्व करते हैं, दिस इज -4 + 7, सो योर आंसर शुड बी अ +3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, आंसर 3 आना चाहिए। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम -4 एंड मैं राइट हैंड साइड जाऊंगी 7 पोजीशंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, तो मैं कहाँ लैंड अप हो रही हूँ, 3 पे, एंड 3 ही मेरा आंसर होना चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह से लिखे, दिखे कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ एक नेगेटिव नंबर को ही, तो क्या जाना है, राइट हैंड साइड जाना है, ठीक है, ईजी है, फर्स्ट सॉल्व इट एंड यून यू विल ईजिली नो कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, ओके। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी, अभी अभी हमने जो उनसे कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। उससे पहले दो बड़े छोटे से टॉपिक करने हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ओके। फर्स्ट वन इज एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स,
of an integer is a number that when added to it gives the answer as 0. ठीक है, additive inverse of an integer is a number that when added to it gives the answer as 0. चलो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 इज -15. तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जब मैं उसे ऐड करूंगी. तो 15 के अंदर अगर मैं ऐड कर रही हूँ -15 को, तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, 15 माइनस 15. तो अगर 15 में से मैं पूरा का पूरा -15 कर लूंगी, 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट करके माय आंसर इज गोइंग टू बी 0. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि -11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -11 में ऐसा क्या ऐड करूं कि जो मेरा आंसर है वो 0 आना चाहिए. ठीक है, तो -11 में मैं +11 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर 0 आएगा ना. दिस -11 में +11 कर दिया तो मैं जो कैंसिल आउट होके आंसर 0 आ जाएगा. सो बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वही नंबर विद द ऑपोजिट साइन. ठीक है, तो 100 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -100. ठीक है, -150 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +150. ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0. ठीक है, ओके, राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर इज अ नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड विद द नंबर गिव्स द आंसर एज 1. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 है. ठीक है, 6 में बताओ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, मान लिया x मल्टीप्लाई किया, कि जो मेरा आंसर है वो 1 आना चाहिए. ठीक है, अगर आपने सिंपल इक्वेशन तो खैर अगर पढ़ा है, देन यू नो दैट 6 इंटू x इज 6x विच इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू कैसे आएगी? 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 1/6. तो कहने का मतलब है कि 6 के साथ अगर मैं 1/6 मल्टीप्लाई करूंगी तो ही जो मेरा आंसर है वो 1 आ पाएगा, क्योंकि दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड आउट और बचेगा क्या? 1 बचेगा. सो बेसिकली व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. एंड रेसिप्रोकल क्या होता है कि जैसे अगर एक नंबर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये इंटरचेंज हो जाता है. डिनोमिनेटर ऊपर चले गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ -5 की. ठीक है, अब -5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए? तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1/-5. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आया? 1. इसमें साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा. ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आया -1100. ठीक है, चलो -1100 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, अगर नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में तो हम अज्यूम करते हैं 1 है. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 ऊपर चले गया एंड नीचे क्या आ गया? -1100. सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट एंड माय आंसर इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, सो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आना चाहिए. एंड यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू सी कि 0 और 1 आंसर कैसे आएगा. ओके, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. ठीक है, अभी जो हमने इंटीजर्स का सीखा है उसकी एप्लीकेशन सीखते हैं, दैट हाउ वी कैन अप्लाई इट ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स डू सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ओके, थोड़ा सा स्क्रीन के पीछे है. ओके, एनीवे आई विल जस्ट मूव अ लिटिल बिट. लिखा क्या है यहाँ पे? ओके, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. ठीक है, सो लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु गिवन है. ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. ठीक है, टेम्परेचर लिखना है सबको. एंड सेकेंड इज, वॉट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस है कौन सी एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट, ये एक नंबर लाइन है. ठीक है, यहाँ आपको 0 दिख रहा है, राइट? सो दिस इज 1, सॉरी दिस विल बी -1. ठीक है, ये है -2, देन -3 एंड -4. ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको. जस्ट ओके, सो 0 -1 और ये क्या होगा? दिस इज -2.
तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2. देन वी हैव -5, तो इधर होगा -6, -7, एंड लाहौल स्पीति का कितना है? दिस इज -8, राइट. शिमला इज एट 5 degrees Celsius, ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है टेम्परेचर. ऊटी की बात करें तो दिस इज 10, 11, 12, 13, एंड ऊटी में टेम्परेचर कितना है? 14. अगेन बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? 20, 21, 22, सो दिस इज 22, राइट. ओके, देन क्या करना है? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. सो हमने सारा फर्स्ट पॉइंट वी हैव डन, वी हैव रिटन द टेम्परेचर्स. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव. तो आप सबको पता है कि जब हम टेम्परेचर देखते हैं तो जब हम कहते हैं जीरो से नीचे चलेगा, नेगेटिव में टेम्परेचर चलेगा, तो उसका मतलब क्या है कि ज्यादा ठंड हो जाती है जब जो टेम्परेचर्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है. ओके, सो हॉटेस्ट प्लेस क्या है जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? दैट इज बेंगलुरु, ठीक है. हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस के बीच का डिफरेंस बताना है, सो माइनस करूंगी इसमें से किसका टेम्परेचर. कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? लाहौल स्पीति, ठीक है, क्योंकि उसमें -8 degrees है. सो -8 हो जाएगा, ठीक है, 22 माइनस -8 degrees. सो वी नो दैट 2 नेगेटिव साइंस है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, राइट. सो 22 + 8 = 30 degrees. तो कितना टेम्परेचर है? 30 degrees का टेम्परेचर होगा. आप अगर -8 से स्टार्ट करोगे एंड 30 points राइट जाओगे ना ऑन द नंबर लाइन, यू विल रीच द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु. ओके, क्लियर. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है, एक सेकेंड. ओके, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितना डिफरेंस है हमें ये बताना है. सो सबसे पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर वी जस्ट चेक्ड, सो दैट वॉज, एक मिनट. ओके सॉरी, सो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर इट वॉज -8, ठीक है. श्रीनगर इज एट 2 degrees Celsius, सॉरी -2, ठीक है. शिमला इज एट 5, ऊटी इज एट 14 degrees, बेंगलुरु इज एट 22 degrees, ठीक है. व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है. सो लाहौल स्पीति में -8 है, श्रीनगर में -2 है, दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 - -8, ठीक है. सो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 - - कितना हो गया? +8. सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 6, ठीक है, पॉजिटिव 6. तो डिफरेंस कितना है? 6 degrees का डिफरेंस है, ठीक है. तो अगर आप श्रीनगर से लाहौल स्पीति में जाओगे, सो यू विल सी दैट यू हैव टू मूव 6 places टूवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, ओके. देन कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है. ओके, ओके. सो लेट्स सी, पहले हम दोनों टेम्परेचर्स को इकट्ठे ले लेते हैं. टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर मतलब एड कर रहे हैं. सो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 एंड शिमला का टेम्परेचर है 5. दोनों को ऐड किया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑपरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव माइनस का लगेगा. सो आंसर इज +3. तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 degrees Celsius का, ठीक है. इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला, जबकि शिमला में टेम्परेचर कितना है? 5 degrees Celsius. तो ऑब्वियसली जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है वो क्या होती है? दैट इज अ यू नो कोल्डर प्लेस, ठीक है. सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन दैट ऑफ शिमला, ठीक है. तो ऑब्वियसली शिमला पे ज्यादा टेम्परेचर है. ओके, आई होप यू गॉट इट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है. अगर जैक का स्कोर 5 successive rounds में गिवन है, तो क्विज चल रहा है स्कूल में और हर राउंड में स्कोर आ रहा है, ठीक है. अगर आप राइट आंसर देते हो तो आपको +points मिलेंगे, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का तो जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे. जैसे अगर हम कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें भी होता है ना नेगेटिव मार्किंग, सो सिमिलरली क्विज में भी वैसे ही है. ओके, इफ जैक स्कोर्स इन 5 successive rounds वर, फर्स्ट राउंड में उसका है 25, ठीक है. राउंड 2 में इट इज -5, राउंड 3 में इट इज -10, ठीक है. राउंड 4 में इट इज 15 मार्क्स एंड
राउंड फाइव में इट इज 10. तो देखा जाए तो राउंड वन में उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है. तो उन्होंने पूछा क्या है, टोटल स्कोर कितना है. तो टोटल मीन्स मुझे ऐड करना पड़ेगा इन नंबर्स को. सो 25 प्लस माइनस 5, ठीक है, बस प्लस का साइन लगाते रहेंगे, प्लस माइनस 10, ठीक है, प्लस 15 एंड प्लस 10, ठीक है. सो वी विल सॉल्व दिस नाउ. दिस इज 25, प्लस माइनस हो तो माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस हो तो माइनस 10, प्लस 15 एंड प्लस 10, ठीक है. अब जो मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको मैं इकट्ठे लिख लेती हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है. 25 प्लस 15 प्लस 10 एंड इधर क्या स्कोर्स हैं, माइनस 5 एंड माइनस 10, ठीक है. इन तीनों को ऐड करेंगे, दिस इज 35, 45 एंड 50 एंड दो नेगेटिव साइंस है तो क्या होगा, एडिशन का ऑपरेशन लगेगा, सो दिस विल बी माइनस 50, ठीक है. सो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 35. तो टोटल स्कोर उसका कितना स्कोर किया उसने एट दी एंड, He scored 35 total marks, ठीक है. तो पॉजिटिव में मार्क्स आए, ठीक है. सो चलो थोड़ी सी उसकी शान बच गई, राइट. सो क्या करना है, ऐड करना था हमने सभी सब स्कोर्स को ऐड करने, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दैट वील सी आफ्टरवर्ड्स. प्लस माइनस है तो माइनस किया, सारे पॉजिटिव साइंस को इकट्ठा लिया एंड उसमें से नेगेटिव स्कोर्स को माइनस कर दिया. सो यू गेट द नेट स्कोर विच इज इक्वल टू 35. ओके चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके At Srinagar, temperature was minus 5 degree on Monday. Okay? It was minus 5 degree on Monday and then it dropped by 2 degrees on Tuesday. Okay? What was the temperature of Srinagar on Tuesday? Okay? Minus 5 tha, dropped matlab kam hua hai. Okay? Aur kam ho gaya hai. Aur zyada thand ho gaya hai. Kitne se? Minus 2 se. So, answer kitna aega? Minus 7 degree. Obviously, अगर माइनस फाइव से और नेगेटिव में चले गया तो ज्यादा ठंड हो रही है. सो इट बिकेम माइनस 7 डिग्री ऑन ट्यूजडे. ओके देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे, वी टोल्ड ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. तो वेडनेसडे को कितना होगा, अब ट्यूजडे को माइनस 7 था, रोज मतलब बढ़ गया है टेम्परेचर, ठंड जो है वो कम हो गई है. सो माइनस 7 प्लस 4 डिग्री कर देंगे, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस 3 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज योर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, ठीक है. तो अगर ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर हम उसे हमेशा नेगेटिव से शो करते हैं, ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव से शो करते हैं, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ओके चलो ओके नेक्स्ट वी हैव मोहन डिपॉजिट्स रुपीज 2000 इन अ बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, ठीक है. इफ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, ठीक है. तो जब भी हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं ना तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है. सो हम उसको कैसे दिखाएंगे, दैट अ पॉजिटिव बैलेंस, दैट इज जब भी डिपॉजिट कर रहे हैं अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 2000 इज शोन, ठीक है. एंड जब विड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें से मतलब हम माइनस करें तो वी ऑलवेज शो इट विद अ नेगेटिव साइन, दैट इज 1642 रुपीज आर बीइंग विड्रॉन, ले लिए डेबिट हो गया है. ओके इफ द ओके नाउ मुझे क्या करना है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, ठीक है. तो 2000 रुपीज उसने डिपॉजिट करवाए थे, ठीक है, उसमें से 1642 रुपीज उसने निकलवा लिए तो बचेगा कितना, ठीक है. सो दिस इज योर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, 2000 में से 1642 माइनस करोगे, ठीक है, जैसे हम करते थे छोटी क्लासेस में, लेट्स सब्ट्रैक्टेड. सो दिस बिकम्स 8, दिस इज 5 एंड दिस इज 3. सो आंसर कितना है, रुपीज 358 इज लेफ्ट इन द अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, ठीक है. माइनस करने के बाद आंसर बचता है 358. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो मैंने आपको बताया था ना दो नेगेटिव साइंस होते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं, ए प्लस बी बिकम्स सॉरी ए माइनस माइनस बी बिकम्स ए प्लस बी. तो अब हमें इसको प्रूफ करना है. तो प्रूफ कैसे करेंगे, वी विल हैव अ लेफ्ट हैंड साइड को, वील हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए माइनस माइनस बी, ठीक है. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 21 माइनस और बी की वैल्यू कितनी है 18. सो माइनस 18, दो नेगेटिव साइंस है, सो वील हैव टू ऐड इट 21 प्लस 18, ठीक है. तो आंसर कितना आएगा 39.
ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या है, ए प्लस बीस करना है मुझे सीधा, 21 + 18 ही करना है, ठीक है. एंड अभी अभी हमने देखा दैट 21 + 18 इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, 39. सो आई कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव दैट ये जो हमारा ऑपरेशन है वो ए प्लस बी बन जाएगा. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप. सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास, आई हैव ए ए माइनस माइनस बी, ठीक है. तो ए की वैल्यू कितनी है, 118 माइनस माइनस 125, ठीक है. तो ये कितना हो गया, 118 प्लस 125, ठीक है, ये कितना होगा, 125 प्लस 118. ओके, सो योर आंसर इज 243. ऑन द राइट हैंड साइड ए प्लस बी है तो सिंपली 118 प्लस 125 कर देंगे. सो अभी हमने देखा ऐड करके आंसर आता है 243. सो योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, राइट, हेंस इट इज प्रूव्ड. ओके, नेक्स्ट वी हैव यूज द साइन ऑफ यू नो ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू, ठीक है. तो मुझे अप्रोप्रिएट साइन जो है वो पुट करना है. तो उसके लिए पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. लेट्स सॉल्व इट. 39 प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, माइनस 24 एंड माइनस 15, दो नेगेटिव साइंस है तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है. व्हाट डू वी हैव, 24 एंड 15 दोनों को ऐड करेंगे, सो दिस बिकम्स 39 एंड साइन नेगेटिव ही आएगा, 39 माइनस 39, तो इसका तो आंसर जो है वो आ रहा है इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड पे देखते हैं, वी हैव 36 प्लस माइनस हो तो माइनस 52, माइनस माइनस है तो प्लस 36, ठीक है. सो दो पॉजिटिव साइंस है तो 36 प्लस 36 करेंगे तो आंसर आएगा 72. 72 में से माइनस 52 किया, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 20. एक साइड 20 है, एक साइड 0 है, तो ऑब्वियसली 20 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस जो साइन है वो राइट हैंड साइड की तरफ डल जाएगा. ओके ओके, अब इधर देखते हैं, माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51, दोनों पॉजिटिव साइंस को पहले ऐड कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज 79 एंड प्लस 51, सो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 130. प्लस 130, अब एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है तो ऑपरेशन जो है वो माइनस का ही लगेगा, ठीक है. सो 231 माइनस 130 इज गोइंग टू गिव मी 101 एंड साइन कौन सा है, जो बड़े नंबर के साथ है. सो ये हो गया माइनस 101, ठीक है. इधर क्या है, 159 प्लस 81, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं. सो योर आंसर इज 240 माइनस 399 प्लस 240, ठीक है. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ऑपरेशन जो है वो किसका लगेगा, माइनस का ही, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 159 शुड बी योर आंसर, ठीक है. अब कौन सा बड़ा है, जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें जो छोटे नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, बिकॉज दिस इज क्लोजर टू जीरो, सो देयरफॉर दिस इज ग्रेटर दैन माइनस 159, ठीक है. तो देयरफॉर वी मेड द स्टेटमेंट्स ट्रू. तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, दोनों साइड्स को सॉल्व करके देखो कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा है, ठीक है. क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है. दिस वॉज अ क्विक रिकैप एंड द इंट्रोडक्शन एंड सम यू नो प्रैक्टिस क्वेश्चंस. हमारे सेकेंड पार्ट में वी आर गोइंग टू डू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है. फिर हम देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हाउ कैन आई मेक माई कैलकुलेशन ईजियर, ठीक है, एंड कौन कौन से ऑपरेशन पे वो प्रॉपर्टी लगती है एंड नहीं लगती, ठीक है. सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, विच वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास. सो तब तक के लिए रिवाइज एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, राइट. एंड ओके, सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, लाइक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन विच हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड वेरी लेस कॉस्ट, ठीक है. यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, ठीक है. तो आप घर बैठे बैठे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है. ट्यूशन्स के लिए इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, तो सारे कोर्सेज हैं, यू कैन व्यू इट एनी टाइम, आप क्लासेस को किसी भी टाइम देख सकते हो. टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आर गोइंग टू बी टीचिंग यू, तो इतनी बड़ी कंपनी के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड लाइक मैथ, साइंस, हिस्ट्री, राइट, SST, इंग्लिश एंड हिंदी. देन वी हैव बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट CD, साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, आपको नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के PDF की फॉर्म में,
ठीक है. देन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, लाइक यू नो 3 मंथ्स का पैकेज है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 15 मंथ्स का है. तो कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी पैकेज ले सकते हो. ठीक है, इकट्ठे पे करने का जरूरत नहीं है. यू कैन पे पर मंथ ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 मंथ्स के लेते हो, इट इज़ ओनली ₹1250 पर मंथ. ठीक है, अगर 15 मंथ्स का लेते हो सिर्फ 1200 पर मंथ रहेगा. ठीक है, सो लॉट ऑफ बर्डन इज नॉट देयर. एंड ऑफकोर्स यू विल गेट 10% ऑफ इफ़ यू यूज़ द कोड SPGSS10. ये कोड यूज़ कीजिए एंड फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा. देन वी हैव अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स. इसमें प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ पर्सनल मेंटर मिलेगा, 1 teacher 1 student, राइट. एंड जो यू नो सारा का सारा, ओके, 1 teacher 1 student एंड सारा अटेंशन आप पे होगा, सारे बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, यू विल गेट एवरी थिंग. ठीक है, एंड अगेन इसके भी डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द ऐप. एंड इस पर भी अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो यूज़ द कोड SPGSS10. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल्स, एंड लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी. थैंक यू सो मच.